में एक तत्व पाया जाता है चेरेंटीन, जो डायबिटीज के लोगों के लिए भी मददगार होता है। जो किसान भाई अगर बारिश के मौसम में इसकी खेती कर रहे हैं तो उन्हें सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए कि जो बलुई दोमट मिट्टी होती है वो इसके लिए सबसे उपयुक्त होती है। जिस खेत का वो चुनाव करें हैं इसकी खेती करने के लिए, उसमें पानी यानी जल जमाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, थोड़ी ऊंची खेत होनी चाहिए। उसके बाद उन्हें ध्यान देना है कि फसल चक्र का बिल्कुल सही प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक ही खेत में अगर हम बार बार अगर हम कद्दू वर्गीय सब्जियां लगाएंगे तो जो उखरा बीमारी या उकठा बीमारी जिसको हम कहते हैं जड़ों में लगती है फ्यूजेरियम विल्ट, उसकी संभावना होती है। उसके बाद आपको ध्यान देना है कि इसमें आमतौर पर 20 से 25 टन गोबर की खाद डाली जाती है। अगर वो रुपाई या अंतिम जुताई से कम 25 से 30 दिन पहले डाल देते हैं तो अच्छा होता है। कद्दू वर्गीय फसलों के लिए हम लोग कहते हैं 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास की मात्रा पर्याप्त होती है, जिसमें पोटास और फास्फोरस की पूरी मात्रा तथा नाइट्रोजन की एक तिहाई मात्रा अंतिम जुताई के समय खेतों में डाल देनी है। उसके उपरांत आपको इसमें नाली बना के हम इसकी बिजाई करते हैं। हमें यह ध्यान देना है कि करीब 40 से 45 सेंटीमीटर चौड़ी और 30 से 35 सेंटीमीटर गहरी नाली हम बनाते हैं, और एक नाली से दूसरे नाली के बीच की दूरी करीब 1.5 मीटर हम रखते हैं खीरा और करेला के लिए, और 2 से 2.5 मीटर हम रखते हैं अगर हम लौकी या तोरी या कद्दू इस प्रकार की जो बड़ी बेल वाली फसलें होती हैं उनमें हम रखते हैं। अब आपका नाली बन गया है, उसके बाद उसमें खरपतवार नाशी जो पेंडी मिथिलीन होता है उसका 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना के कम से कम नालियों पे अवश्य उसका छिड़काव कर दें। इस मौसम में यह सलाह दी जाती है कि आप बावर सिस्टम यानी पंडाल बनाएं। अगर आपके पास लकड़ी है तो उसका ऐसे लगा के भी पंडाल बना सकते हैं, या बिल्कुल इस तरह से आप रस्सी या कोई लोहे की तार से आप एक मचान बना सकते हैं, या कोई भी अन्य लकड़ी अगर आपके पास है उसका मचान बना के अगर आप खेती करते हैं तो फलन भी अच्छी होगी और परागण में भी उसमें आसानी होती है। अरे पूसा संस्थान की ये सारी जो फसलें हैं, जैसे हम लौकी की बात करें, अगर आप लंबी लौकी लगाना चाहते हैं तो हमारी पूसा नवीन काफी प्रचलित प्रजाति है, उसका आप चयन कर सकते हैं। पूसा समृद्धि है या पूसा हाइब्रिड 3 है। अगर आप गोल या नाशपाती के आकार की अगर लौकी लगाना चाहते हैं तो उसमें पूसा संतुष्टि का चयन कर सकते हैं। जो पहाड़ी इलाके के लिए पूसा संदेश जो है गोल लौकी है, ये भी काफी प्रचलित है। हम करेले की बात करते हैं तो हमारी काफी पुरानी प्रचलित प्रजातियां हैं, पूसा विशेष है, पूसा दो मौसमी है, एक नई प्रजाति आई है पूसा औषधि है, और एक छोटा करेला जिसको हम झाड़ करेला भी कुछ जो कहते हैं, ये मधुमेह के लिए भी काफी उपयुक्त होता है। ये छोटा छोटा होता है जंगली करेला, देसी करेला, उसमें पूसा पूर्वी प्रजाति आई है। खीरा अगर आप लगाना चाहते हैं इस मौसम में, आप पूसा बरखा, ये बारिश के मौसम के लिए उपयुक्त है क्योंकि इसमें डाउनी मिल्ड्यू जो बीमारी है उसका प्रकोप कम होता है। अगर आप धारीदार तोरी लगाना चाहते हैं तो पूसा नूतन प्रजाति है, और चिकनी तोरी के लिए पूसा स्नेहा, और जहां वायरस की उतनी समस्या नहीं है वहां कद्दू भी लगाते हैं तो उसमें आप जो सीताफल भी जिसको कहते हैं उसमें आप पूसा विश्वास है या पूसा हाइब्रिड 1 है। और कुछ लोग जो 56 कद्दू आता है उसमें आजकल 56 टिंडा की तरह भी है, जो देखने में टिंडा की तरह है लेकिन वो पूसा 56 कद्दू जो है उसमें पूसा पसंद नाम की एक प्रजाति है, थोड़ा अधिक तापमान पे भी इसमें फलन आता है, इसका भी चयन कर सकते हैं। अगर हम पेठा की बात करें तो पेठा में भी हमारे संस्थान की कई प्रजातियां हैं। पूसा उज्ज्वल है, 2 हाइब्रिड प्रजातियां हैं पूसा उर्मी और पूसा श्रेयाली, और एक पेठा ऐसा होता है जिसका सब्जी भी बना सकते हैं, पूसा सब्जी पेठा 1। इस मौसम में चूंकि तापमान भी अधिक होता है और मौसम में नमी रहती है, इस कारण से डाउनी मिल्ड्यू की बीमारी किसान भाइयों को काफी परेशान करती है। जब भी आप अपनी फसल लगाएं तो उस पर देखते रहें, जब भी अगर कोई भूरा धब्बा अगर आपको पत्तियों पे दिखे आप बिल्कुल सतर्क हो जाएं, और उस पे के लिए आप डाइथेन M45 एक दवा है उसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में छिड़काव कर दें। जिन किसान भाइयों ने अगर बिजाई नहीं की है तो बिजाई करने से पहले अगर आप अपने खेत के चारों तरफ अगर मक्के की अगर 3 लाइन अगर लगा दें, जो सफेद मक्की है वो मक्के के पत्ते पे वो चिपक जाते हैं और आपको दवा का स्प्रे खेतों में कम करना पड़ेगा। तो पीला एक येलो स्टिकी कार्ड आता है उसको 10 से 15 पूरे खेत में लगा सकते हैं, और जो सफेद मक्खी है इसके नियंत्रण करने के लिए इमीडा क्लोप्रिड जो दवा है या स्पिनोसैड है, इनका आप 10 लीटर पानी में 3 से 4 मिलीलीटर का घोल बना के इनका आप छिड़काव कर सकते हैं। बाद के समय में जब आप में फलन प्रारंभ हो जाता है उस समय में जो फल मक्खी होती है वो इस समय में काफी परेशान करती है, फेरोमोन ट्रैप आता है, मिथाइल यूजिनॉल का फेरोमोन ट्रैप आता है, इसको आप 10 से 15 मार्केट से आप खरीद के अपने खेतों में लगा दें।